हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, होप इंशाल्लाह यू पीपल आर वेरी मच फाइन एंड यू आर वाचिंग माय क्लासेस डे बाय डे। ठीक है, तो 11th क्लास बच्चों के लिए लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था टेंशन के बारे में। एक न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम से मैंने आपको दिखाया था कि हम टेंशन को और एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, और एक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था उसके बाद में फॉर्मूला भी डायरेक्ट अप्लाई की थी, और टेंशन एंड एक्सेलरेशन को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, और यही हम आगे चर्चा लेके जाएंगे, तो थोड़ा सा और न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करेंगे बच्चों। और ये जो मैं न्यूमेरिकल्स उठाता हूं आपकी नीट प्रिपरेटरी नीट से उठाता हूं, इस बुक से मैं उठाता हूं। अगर किसी के पास ये नीट की बुक है घर पे, वो इसको खोल के लाजा मोशन चैप्टर खोल के उन्हीं एक्सरसाइज को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, खुद भी प्रैक्टिस करिएगा और यहां पर भी मैं आपको खूब प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है बच्चों, सो हैव अ लुक टुडेज प्रॉब्लम। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, चलिए अभी तक हमने एक पुली लिया था और उस पुली के ऊपर हमने दो मासेस लगाए थे, एक साइड में एक मास लगाया था, दूसरे साइड में दूसरा मास लगाया था। अब हमें और एक प्रॉब्लम जिसमें मैं तीन मासेस उस पर सस्पेंड करूंगा, तीन मासेस से दिखाऊंगा। चलिए इसको ध्यान से देखिए, ये पुली ब्लॉक सिस्टम प्रॉब्लम। ये पुली, हमेशा पुली को मासलेस लेना है, फ्रिक्शनलेस लेना है, ये अजम्पशन है, बाद में इसकी बात करेंगे अलग से, लेकिन फिलहाल जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो मासलेस और फ्रिक्शनलेस की बात होगी बच्चों। चलिए ये जो मासेस है, इन मासेस को मैंने जो दिखाया है, इनमें हमारे पास मासेस है 2 kg का, और फिर हमारे पास है 3 kg का और 5 kg का। यानी ये जो मास है हमारे पास, ये 2 kg का मास है बच्चों, ये हमारे पास 3 kg का मास है, 3 kg का मास है, और ये 2 kg का मास है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक फ्री बॉडी डायग्राम, सभी मासेस को अलग कर दो, उनके ऊपर फोर्सेस को देखे, फिर हम एक्सेलरेशन और बाकी चीजें निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये मेरे पास 2 kg का मास है। अब ये एक स्ट्रिंग है, यहां पर स्ट्रिंग है, इसको मैं दूसरे मार्क चाक से दिखाऊंगा। ये 2 kg, तो यहां टेंशन ऊपर होगा, इसको हम T1 मानेंगे। ठीक है बच्चों, और ये देखिए, ये वाली जो स्ट्रिंग है ये कॉमन स्ट्रिंग है, यहां से ये वाली जो स्ट्रिंग है ये कॉमन स्ट्रिंग है, तो यहां से टेंशन अलग अलग होगा, क्योंकि ये यहां से यहां अलग स्ट्रिंग है, इसका अलग टेंशन होगा, और ये T2 करके ऐसे, ये T2 टेंशन यहां से ऐसे चलेगा, प्रोपेगेट करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे T2 ऐसे टेंशन, और ये T1। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट टेंशन T1 एंड T2। क्या क्या चाहिए फाइंड करना है, एक तो एक्सेलरेशन एंड T1 एंड T2, ये वाली चीज हमें फाइंड आउट करनी है। खाली जो लास्ट टाइम न्यूमेरिकल था उसमें कंसेप्ट चलो, मैं यहां आपको एक शॉर्टकट तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूं, और ये आप अप्लाई करेंगे। राइट, अब मुझे बताइए, यहां जो 2 kg है, 2 और 3 kg दोनों इस वाले साइड है, तो ये ब्लॉक कहां आएगा, ये ब्लॉक यहां आएगा, क्योंकि यहां 3 और 2 kg 5 kg का मास है, और यहां 2 kg का मास है, तो यहां से नीचे आएगा, तो एक्सेलरेशन किधर की ओर होगा, वो एक्सेलरेशन यहां ऐसे डाउनवर्ड। ठीक है, चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला बना था, एक्सेलरेशन निकालने के लिए बच्चों हमारे पास फार्मूला बना था ए एक्सेलरेशन, शाबाश, ए एक्सेलरेशन फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। तो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। याद करिए, चलिए याद रखिए, कॉमन एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होगा, फॉरवर्ड फोर्स कितना, फॉरवर्ड फोर्स नीचे 2 × 10 = 20, साथ में 3 भी है, तो टोटल मास कितना है, 3 × 2 = 5, तो नीचे 5 g नीचे वाला फोर्स, वेट वाला फोर्स अर्थ कितने से खींचेगी, 5 g से, क्योंकि दो
2 then 2G, साथ में 3G, 3G, 3G plus 2G, 5G, that means 5G मतलब forward force 50, नीचे वाला फोर्स कितना खींचेगा 50, माइनस बैकवर्ड फोर्स 2G, अपोज कौन करेगा 2G, that is 2G मतलब 20, डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है हमारे पास शबाश, टोटल मास 322, ठीक है, टोटल मास कितना है शबाश, टोटल मास, टोटल मास बोलिए, टोटल मास बोलिए 3 2 और 2। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी इस वाली बुक पर जो प्रॉब्लम है उसमें ये वाला मास 2 kg का नहीं है, ये वाला मास है 5 kg, ठीक है। अगर ये 5 kg का मास है, अब मैं वही सेम प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा जो आपकी बुक पर है, ये 5 kg है, ये 3 kg होगा 80, तो फॉरवर्ड फोर्स हो गया 80G, ठीक है, सॉरी 5 3 8, दैट इज 8G एंड दैट इज 8G इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो यहां पर आएगा 80 माइनस 2G, 2G मतलब 20, 80 माइनस 20, फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा, ध्यान से देखिए, ये 5 और ये 3 टोटल कितने हो गए 8, तो 8 से ये नीचे आएगा, अगर ये 8 से नीचे आएगा, 8G से नीचे आएगा, तो 8 into G, G मतलब 10, यहां 9.8 मैंने 10 लिया है, तो 8 into 10 दैट विल बिकम 80, और अपोज कितना होगा 2G, 2 into 10 दैट इज 20, डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास है 5 3 and 2 दैट इज 5 3 8 to 10, ठीक है, तो दैट विल बिकम 80 20 दैट इज 60 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वलेंट टू एक्सेलरेशन इज 6 m/s, ये रहा हमारी एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, फॉरवर्ड फोर्स 5 3 8, 8 into G 80, बैकवर्ड फोर्स 2 into G 20, ये ऐसे खींचेगा तो ये ऊपर आएगा, तो इस वाला का ये जो यहां नीचे खींचेगा ये 2G से, ये नीचे आएगा 8G से, ये वापस खींचेगा 2G से, फॉरवर्ड फोर्स ये हो गया माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास एंड दिस विल बिकम 6 m/s, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको टेंशन के लिए क्या बोला है, टेंशन निकालने के लिए आप क्या करते, जो मैंने पिछले वाला एक्सरसाइज में आपको समझाया था कि हम 5 और 3 8, इसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसका अलग से, इसका अलग से, तो तीनों के लिए हमारे पास अलग अलग से 3 इक्वेशन करेंगे, उन ए टी को निकालने के लिए एक दूसरे को एडिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग करके हम इसको लिखेंगे, लेकिन वो वाला प्रोसीजर वहीं पर आप करेंगे, लेकिन अब हम इसको थोड़ा और शॉर्टकट से सीखने की कोशिश करेंगे, और ये शॉर्टकट आप हर किसी चीज में अप्लाई करेंगे जो इस तरह की न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए ये यहां क्या है 5G, ये टेंशन निकालने की ट्रिक है, तो पहले हम T1 को निकालेंगे, इसको निकालेंगे T1 को, तो T1 को निकालने के लिए हमें क्या करना है, T1 को निकालने के लिए सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम, ये देखिए T1 यहां है ना, ये इसके साथ रिलेटेड है ये T1, T1 को निकालने के लिए क्या लिखोगे आप, सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम, माइनस फोर्स कंज्यूम, या यहां पर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूंगा, 6 आप याद रखिए हमारी एक्सेलरेशन 6 मिली थी, अब हम टेंशन को निकालेंगे, T1 को निकालेंगे, टेंशन T1 को, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम, सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम, इस वाले ये देखिए T1 इधर है, T1, अब देखिए इसके साथ तो T2 कनेक्टेड है, ये इसकी बात में नहीं, मैं T1 निकालना है, क्योंकि T1 भी निकालना है मुझे, और साथ साथ में T2 भी मुझे निकालना है, T1 भी निकालना है, T2 भी निकालना है, सपोर्टिंग फोर्स कितना है, सपोर्टिंग फोर्स है 5G, 5 into 10 दैट इज 50, सपोर्टिंग फोर्स नीचे कितना सपोर्ट कर रहा है इसको सपोर्ट कर रहा है 5G,
माइनस फोर्स कंज्यूम्ड, इस मास ने कितना फोर्स कंज्यूम किया, फोर्स की फॉर्मूला क्या है, एमए, अरे एफ इज इक्वल टू एमए, फोर्स कंज्यूम कितना किया होगा, एफ इज इक्वल टू एमए, कंज्यूम कितना किया होगा, एफ इज इक्वल टू एमए, सपोर्ट कितना कर रहा है, 5×10 5g, कंज्यूम इस वाले मास ने कितना कंज्यूम किया, अरे कंज्यूम कितना करेगा, एम इज एमए, एफ इज इक्वल एमए, 5 ma माइनस m 5 into a, ये हो गया फार्मूला। तो जब भी ऐसे निकालना होगा t1, इसके साथ क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे, सपोर्टिंग फोर्स क्या करोगे, सपोर्टिंग फोर्स क्या करोगे, सपोर्टिंग फोर्स नीचे कितना सपोर्ट कर रहा है और साथ में इसने कंज्यूम कितना किया, सपोर्टिंग 5g, तो इसको क्या होगा, 5 × 10 इज माइनस 5 × a 6, दैट इज 50 − 30 इज इक्वल टू 20 फोर्स है भाई न्यूटन। ये आंसर कल वाला, वो अलग अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, खाली कहां निकालना है, सपोर्ट करो, किसने सपोर्ट किया, माइनस कर दो, जिसने कंज्यूम किया, किसने कितना कंज्यूम किया, उसको हमें माइनस करना है। और इस तरह से T1 जो है हमारा टेंशन, T1 कितना है, वो आ गया हमारा T1 आ गया हमारा कितना बच्चों, 20, राइट, ओके। अब हम T2 को क्या ऐसे निकाल सकते हैं, क्या T2 को भी सेम, अरे कोई तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये T2 है, क्या है बच्चों, T2 है, क्या है बच्चों, T2 है। तो T2 को सपोर्ट कौन कर रहा है, सपोर्टिंग फोर्स, T2 के लिए क्या करेंगे, सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम, ओ सपोर्टिंग फोर्स कितना, 2g माइनस फोर्स कंज्यूम 2a ma, 2a 2g 20 माइनस 6 × 12, ओ माय गॉड 8 न्यूटन, बस खत्म। अरे इससे बड़ी ट्रिक क्या हो सकती है, आगे कंप्लीकेटेड आएंगे, उसमें भी दिखाऊंगा कैसे करना है सालों, ठीक है। क्या याद करोगे, सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड, सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड, सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड। अब ध्यान से देखिए, क्या ये ट्रिक यहां पर भी अप्लाई होगी, अगर हम इसको टू, देखिए अगर ये नहीं है, सपोज अब यहां पर भी टू है, T2 है ना, अगर यहां पर भी T2 है तो क्या करेंगे, T2 यहां निकालने की कोशिश करिए, सपोर्टिंग फोर्स T2 को सपोर्ट, 3 × 5 = 5, 3 सपोर्टिंग फोर्स 8 × 10 = 80 माइनस कंज्यूम, कंज्यूम कितना किया दोनों ने, 8 × 6 = 48। अरे यार इधर ध्यान दो, ये यहां से यहां लटका हुआ, तो इन दोनों को देखते हैं ये ट्रिक काम करती है। सपोर्टिंग फोर्स ये 3 kg पर, यहां हमारे पास T2 है ना, यहां पर, चलिए अब हम क्या करेंगे, T2 को हम निकालेंगे, T2 को हम निकालने की कोशिश करते हैं। इधर से देखिए, T1 को हमने निकाला, अब हम T2 को निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास यहां से ऐसे, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, T1 को हमने निकाला, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड, सॉरी T1 को निकाला कैसे, सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड, सपोर्टिंग फोर्स कितना था यहां पर, 5 × 3 = 18, ये सपोर्टिंग फोर्स था, और कंज्यूम कैसे किया वो हमने दिखाया। अब हम इस T2 के लिए देखेंगे, तो T2 के लिए सपोर्टिंग फोर्स देखिए माइनस फोर्स कंज्यूम्ड, सपोर्टिंग फोर्स कितना है, सपोर्टिंग फोर्स है 2g, वेरी गुड, सपोर्टिंग फोर्स है 2g, आप देखिए माइनस फोर्स कंज्यूम्ड, माइनस फोर्स कंज्यूम्ड, तो फोर्स कंज्यूम्ड के लिए कितना होगा, फोर्स कंज्यूम्ड 2g मतलब हो गया 20, 2g माइनस फोर्स कंज्यूम्ड 2 × a, ये 2a, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये जो है यहां पर जब आप फोर्स कंज्यूम्ड लिखा था, फोर्स कंज्यूम्ड माइनस सॉरी फॉर ये जो है सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड जब आपने लिखा था, सपोर्टिंग फोर्स
माइनस पोस्ट कंज्यूमर जब आपने लिखा था तो आप यहां पर माइनस लिखते हैं क्योंकि ये ऐसे नीचे आ रहा था, याद रखिए ये नीचे आ रहा है, लेकिन इसको यहां से तो ये ऊपर जा रहा है ना, यहां से तो ये नीचे आ रहा है, लेकिन इस वाले साइड में देखिए T2 में तो ये ऊपर आ रहा है, इसलिए जब आप माइनस लिखोगे अगर इसको आपने यहां पॉजिटिव लिया है तो इसको आपको यहां नेगेटिव लेना पड़ेगा, ऐसे करके ये याद रखना है, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है। यहां से आते हुए अगर आप इसको पॉजिटिव लेंगे तो यहां से नेगेटिव, तो इसका मतलब है 2G 2 × 10 20 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 × 2 दैट इज 12 दैट विल बिकम 30। ये आ गया हमारा T1 न्यूटन जो है, ये हमारा T2 आ गया। तो यहां से इसको लेना पॉजिटिव, अगर ये नीचे आ रहा है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो माइनस इंटू माइनस करके वो वाली चीज देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आपको बड़े अच्छे से आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये तो हमने T2 निकाला, जरा यहां पर भी तो ये T2 है, ये जरा यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए बोलिए सपोर्टिंग फोर्स, इस यहां T2 के लिए बोलिए सपोर्ट कर रहा है 5 × 3 तो सपोर्ट कर रहा है इसको 5 × 3 8G तो 8G माइनस। अब मसला ये है माइनस अगर 8G सपोर्ट कर रहा तो कंज्यूम कितना हो गया 5 × 3 8 8 × 6 48 दैट मींस इट इज 80 माइनस 48 कितना आएगा दैट विल बिकम 32 10 × 2 = 3। अब देखिए ये कितना आ गया 32, लेकिन सर यहां पर आपने डायरेक्ट माइनस, यहां पर आपने तो माइनस इंटू माइनस क्योंकि ये ऊपर जा रहा था, लेकिन जब आप इस T2 की बात करेंगे तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है इसलिए हमने माइनस डायरेक्ट लिखा, क्योंकि यहां से ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस इंटू माइनस 2a क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, लेकिन यहां से तो ये नीचे आ रहा है, इसलिए दोनों सोर्सों में हमारा आंसर सही बैठना चाहिए और यहां पर हमारा आंसर भी सही बैठ गया, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल आप अच्छे से ध्यान से देखिए, फिर मैं इसको आगे समझाने की कोशिश करता हूं और एक न्यूमेरिकल के साथ, हैव अ लुक और एक न्यूमेरिकल के को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इधर ध्यान देखिए, मैंने एक नया न्यूमेरिकल, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, एक प्रॉब्लम है, इसमें से आपको बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये पुली है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 5 kg तो ये नीचे सपोर्ट कर रहा है, यहां पर इसको टी लिखेंगे टेंशन। अब ये कॉमन स्ट्रिंग है, ये देखिए ये कॉमन स्ट्रिंग है टी, तो यहां पर भी ये कैसे होगा टी और मास के अपोजिट में ही होगा टी, ये टेंशन। वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड आउट क्या क्या करना है, एक तो हमें ए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और साथ साथ में टेंशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है, एक्सेलरेशन के लिए फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ये आप याद कर लीजिए, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। हैव अ लुक ऑन इट, फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स कितना 5G, नीचे ग्रेविटी की वजह से 5G, वेरी गुड, माइनस बैकवर्ड फोर्स। अब यहां प्रॉब्लम है, क्या ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है, क्या ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है जो नीचे इसको mg लग रहा था यहां पर तो 5G, ये नीचे आएगा, ये ऐसे करके ये नीचे आएगा क्योंकि ये मास ज्यादा है, यहां पर नीचे अगर mg है तो ये तो ना तो नीचे आ रहा है, यहां से देखिए ये जो यहां पर इसका प्लेन है ये नीचे नहीं आ रहा है, क्या यानी इसको किसी ने ऊपर बैलेंस कर दिया है, ये ऐसे, इसीलिए बैकवर्ड फोर्स अगर ये लटका होता तब बैकवर्ड फोर्स होता, तो बैकवर्ड फोर्स क्या ये पीछे जा रहा है, नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा, तो बैकवर्ड जीरो हो गया। इस तरह का आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि ऐसे ब्लॉक होगा तो बैकवर्ड फोर्स जीरो है, टोटल मास कितना हो गया 527, टोटल मास दैट इज इक्वलन टू 7, दैट इज दैट विल बी इक्वलन टू 50 माइनस 0 डिवाइड बाय 7 दैट इज इक्वलन टू 50 बाय 7 इज योर कॉमन एक्सेलरेशन। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बैक फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 50/7। अब टेंशन को देखिए, चलिए टेंशन, अब चूंकि कॉमन टेंशन है हमें खाली टी निकालना है, तो मैंने टेंशन टी के लिए आपको क्या बोला, अभी मैंने बोला सपोर्टिंग फोर्स
ट्रुथ फॉलो करो, सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम, सपोर्टिंग फोर्स 5g, 5 × 10 सपोर्टिंग फोर्स 5g माइनस फोर्स कंज्यूम, इसने कितना कंज्यूम किया फोर्स, माइनस फोर्स कंज्यूम ma 5 × a 50/7 सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम, सपोर्टिंग फोर्स 5g, नीचे कौन ला रहा है इसको 5g, नीचे कौन ला रहा है 5g, नीचे कौन ला रहा है 5g, तो नीचे इसको 5g ला रहा है और इसने कंज्यूम किया ma 5, a कितना 50 × 7, तो दैट मींस 50 माइनस 5 × 50/7, इसको इधर ले जाओ 350 माइनस, ठीक है 250 डिवाइड बाय 7, 350 माइनस 250 100 डिवाइड बाय 7 इज योर आंसर। तो याद रखिए सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड, सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड, सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड, सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड एंड यू विल फाइंड आउट द टेंशन। ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए क्या याद रखा आपने, एक्सेलरेशन के लिए फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, और टेंशन के लिए सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड, और आपको ये चीज निकल के आएगी। होप इंशाल्लाह आप सबने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और आपके 24/7 आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। मेरे होप इंशाल्लाह आप मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर फैसल गुलजार को अच्छे से वॉच किया होगा और उसको सब्सक्राइब भी किया होगा। बड़े अच्छे वीडियो मिलेंगे देखने के लिए, और आज के लिए फिलहाल इतना ही। शबा आप लोग दुआओं में मुझे याद रखिएगा, घर पे बैठिएगा, ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।